गुड इवनिंग राजन, आकाश, निशु, क्या हाल चाल है? हाल चाल बताओ, क्या चल रहा था कल? वही है, दो भाई पानी दो। हाँ, गुनगुना बेटा, क्या पढ़ना है जरा बताओ। हाँ, ठंड बढ़ गई है, सही कह रहे हो। पता है, देखो ना, दवाई खा रहा हूं मैं तुम लोग के सामने। स्टेटमेंट कंक्लूजन तो कल बता दिया, कल स्टेटमेंट कंक्लूजन करा दिया था आप लोगों को। आप कुछ भी पढ़ा दो सर, पढ़ा हुआ पढ़ाओगे तो भी कुछ नया ही बताओगे। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपकी कुछ चॉइस है तो आप बता दो मुझे, उसके अकॉर्डिंग क्लास हो जाएगी, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। वो एंड हो गया आकाश, उसमें और कुछ नहीं है। स्टेटमेंट कंक्लूजन में इतनी सी बात थी जो मैंने आपको बताया था। बेटा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, बाकी जो उसमें पॉइंट्स थे वो सारे मैंने शेयर कर दिए हैं कल। प्रैक्टिस तो आपको करना था भाई, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको। बाकी जो उसमें जितनी चीजें आती है वो सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी है आपको, ठीक है? ब्लड रिलेशन हुआ नहीं है? ब्लड रिलेशन नहीं हुआ है? नेशो बेटा, कोडिंग डिकोडिंग हो गया है। हर क्लास में तुम लोग मुझे कोडिंग डिकोडिंग के लिए कह रहे हो, और हर क्लास में मैं कह रहा हूं कि वो हो चुका है। ब्लड रिलेशन भी हो चुका है। मैं वेट कर रहा हूं, बताओ तुम लोग। हाँ, ब्लड रिलेशन भी हो गया है भाई, आई रिमेम्बर। मैट्रिक्स का सिर्फ एक प्रकार है, मैट्रिक्स आप लोगों को मैंने पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 25 जो होता है, दो बॉक्स बने होते हैं और उस दो बॉक्स में कुछ संख्याएं दी जाती है, एक वर्ड होता है और उसके अकॉर्डिंग चार ऑप्शंस दिए जाते हैं और उसका आंसर हमें निकालना होता है। तो वो कराया है कि नहीं कराया, एक बार बताओ मुझे। क्लॉक नहीं पढ़ाया अभी निशु? क्लॉक नहीं हुआ है? जल्दी बताओ सारे बच्चे। हाँ भाई बेटा, कल क्लास हमारी है और कल 3 बजे से क्लास है, सब लोग सुन लो। कल 3 हमारी क्लास रहेगी। क्लॉक नहीं हुआ है तो क्लॉक पढ़ा दूं?
ठीक है, चलो आ गया भाई क्लॉक पे। आप सब लोगों की सहमति, क्लॉक पढ़ा देते हैं। क्लॉक देख लीजिए, घड़ी। देखो सबसे पहले इसमें आप लोग कुछ पॉइंट को नोट करोगे, नहीं चलेगा ये। बोथ हैंड्स रिक्वायर्ड एंगल हैपन्स इन 12 आवर्स हैपन्स इन 24 आवर्स। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहली कंडीशन कॉइन साइड की, जिसे टुगेदर भी कहते हैं हिंदी में, संपाति या एक साथ। इस पॉइंट का मीनिंग है जब मिनट की सुई और घंटे की सुई की स्थिति ये होती है, और जब ये होगी तो एंगल बराबर 0 डिग्री होगा। तो इस तरह के कंडीशंस याद रखना है कि 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार होती है। यानी आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि 12 घंटे में मिनट की सुई और घंटे की सुई कितनी बार एक साथ होती है, तो आपको आंसर लिखना है 11 बार। और क्वेश्चन आ जाए कि मिनट की सुई और घंटे की सुई 24 घंटे में कितनी बार एक साथ होती है, तो आपको लिखना है 22 बार। दूसरी स्थिति बनेगी राइट की, यानी समकोण की, और ऐसे कंडीशन में मिनट की सुई और घंटे की सुई की स्थिति कुछ इस प्रकार होती है। और यह कंडीशन जब होता है तो एंगल बराबर 90 डिग्री होता है। यह आपको याद रखना है कि 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। यानी मिनट की सुई और घंटे की सुई समकोण 12 घंटे में 22 बार बनाती है और 24 घंटे में 44 बार बनाती है। यह क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया।
डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था कि मिनट की सुई और घंटे की सुई 24 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है, 24 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है। तीसरे कंडीशन में स्ट्रेट बट ऑपोजिट होगा, यानी सीधी लेकिन विपरीत दिशा में। जैसे घड़ी में 6 हुआ, घड़ी में 2:45 हुआ, तो जब मिनट की सुई और घंटे की सुई ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तब एंगल बराबर 180 डिग्री होता है। और इस प्रकार की प्रक्रिया 12 घंटे में 11 बार होती है और 24 घंटे में 22 बार होती है। लेकिन आपके क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट, सिर्फ क्वेश्चन में स्ट्रेट लिखा हुआ आ जाए, क्वेश्चन में सिर्फ स्ट्रेट लिखा हुआ आ जाए यानी सीधी रेखा पर, तो बच्चों याद रखना है कि इसे भी सीधी रेखा कहते हैं और इसे भी सीधी रेखा कहते हैं। ऐसी स्थिति में एंगल बराबर 0 डिग्री भी होगा, एंगल बराबर 180 डिग्री भी होगा। और फिर 12 घंटे में यह प्रक्रिया 22 बार होगी और 24 घंटे में 44 बार। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी आ गया भाई, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन आपको बताया है मैंने कि ये चीजें आपको बाय हार्ट करनी है, इसको आपको याद कर लेना है। निशु बेटा, रिक्वायर्ड एंगल का मतलब होता है कोण, यानी समकोण में जब होता है तो एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री होता है। जब सीधी लेकिन विपरीत में होता है तो एंगल कितना होता है, 180 होता है। तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इसी को रिक्वायर्ड एंगल बच्चे कहते हैं। इतना तो भाई इंग्लिश लेके चलना पड़ेगा बच्चों, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो मैं कोशिश करता हूं हर जगह, हिंदी भी लिखता जाता हूं, इंग्लिश भी लिखता हूं, लेकिन इतनी चीजें तो ध्यान रखो। रिक्वायर्ड एंगल का मतलब हो गया कि जब कोइंसाइड होगा तो एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। जब राइट होगा तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जब स्ट्रेट बट ऑपोजिट होगा तो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री जो है इसी को रिक्वायर्ड एंगल कहते हैं। क्लियर? तो ये याद कर लेना भाई, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, जैसे लिखा हुआ है उसी तरीके से दिखेगा एग्जैक्ट, ये ध्यान रखना। तो ये याद कीजिएगा आप लोग, ये कुछ कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। हाँ बेटा बता तो दिया आपने, एंगल तो पढ़ा है ना बच्चे, समकोण जब होता है बच्चे तो एंगल कितना होता है, वही चीज समझा रहा हूं मैं कि जब समकोण होता है तो एंगल कितना होता है आपको मालूम है, 90 डिग्री का। जब स्ट्रेट होता है तो आपको पता है ना कितने का होता है, 180 का, है ना। राजन ये कंसेप्ट है बेटा, याद रखना, इसको याद रखना है। 11 से 1 के बीच में केवल एक ही बार, सिर्फ 12 बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई एक साथ होती है, बाकी हर घंटे एक एक बार मिलती है, मिनट की सुई और घंटे की सुई, लेकिन 11 और 1 के बीच में केवल एक बार मिलती है। तो कितनी बार बनेगा, 11 बार बनेगा। जहां हर घंटे एक एक बनती है वहां से 11 के 1 के बीच में सिर्फ एक बार बनती है, यानी 2 घंटे में सिर्फ एक बार बनती है, तो बाकी सब घंटे में कितनी हो गई, 10 हो गई, और 11 से 1 के बीच में एक बार हो गई, तो कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। आप कंसेप्ट को याद रखो ना, चीजों को याद रखो जो सर ने आपको बताया है। हाउ कोइंसाइड 11 टाइम्स पूछने की क्या जरूरत है,
बेटा ये बेसिक चीज है, इसको याद रखना है। इतना डिटेल्स में आपको कोई पढ़ाता भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। सीधा आएगा, क्वेश्चन कराएगा और जाएगा। 11 से 1 के बीच में केवल 12 बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई एक साथ मिलती है। 11 बजे एक साथ नहीं मिलेगी, 1 बजे एक साथ नहीं मिलेगी, केवल 12 बजे मिलेगी। तो 1 से लेकर 10 तक में तो 10 बार हो गया, और 11 से 1 के बीच में एक बार हो गया, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है स्ट्रेट बट ऑपोजिट, सीधी लेकिन विपरीत दिशा में। यानी जब घड़ी की सुई में, जब घड़ी में 6 बज रहा होता है, तो मिनट की सुई 12 पर होती है, घंटे की सुई 6 पर होती है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। जब 2:45 होता है, तो मिनट की सुई जो होती है वो 3 के पास अराउंड होती है, और घंटे की सुई 9 के पास होती है। ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया मिनट की सुई और घंटे की सुई का, इसी को कहते हैं स्ट्रेट बट ऑपोजिट। देखो मैंने साइन के साथ बना दिया है, दोनों साइड एरो निकाला है। देखो इसका मतलब आप समझ जाइए कि ऑपोजिट इसको कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्वाइंसाइड लिखा हुआ है, टुगेदर लिखा हुआ है हिंदी में, संपाती और एक साथ लिखा हुआ है। संपाती और एक साथ 12 बजता है तो क्या होता है भाई? मिनट की सुई और घंटे की सुई ओवरलैप कर रही होती है एक दूसरे के। ठीक है, नोट किया सब लोगों ने? भाई तुम लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा, मैं वेट कर रहा हूं तुम लोगों का।
चलिए, बहुत जल्दी आप लोगों ने बना लिया भाई, इतना टाइम लगाते हो। चलो हिमांशु, हिमांशु ये शिफ्ट नहीं होता क्या? आगे दूसरा पेज नहीं आता इसमें क्या? कहाँ आ रहा है क्या? तो वही तो मुझे लग रहा है, पता नहीं है ये वाला। देखो ये वाला। हाँ नहीं यार, तो कुछ और है, ये तो कुछ और आ गया। ये कर दे, ये नीचे आ जाएगा मिनिमाइज करने के लिए। नेक्स्ट पेज लाना था मुझे ये। हाँ रेलवे के एग्जाम में आया अभी राजन कुमार। नेक्स्ट पेज कैसे आएगा? किससे आया? ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। अब हम लोग आते हैं इसमें क्वेश्चंस का, जैसे मैंने आपको बताया कॉइन साइड, जैसे मैंने बताया स्ट्रेट बट ऑपोजिट बताया। राइट बताया। अब इसमें मैंने आप लोगों को सिखाया एंगल 0 डिग्री, इसमें सिखाया एंगल 180 डिग्री, और इसमें सिखाया एंगल 90 डिग्री। अब क्वेश्चन आ गया, एट टाइम बिटवीन 3 एंड 4 o'क्लॉक द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बी टुगेदर। 3 और 4 के बीच किस समय मिनट की सुई और घंटे की सुई एक साथ होती है? देखो तो बेटा, मैंने तुम लोगों ने कहा पढ़ाने के लिए पढ़ा दे रहा हूं मैं, लेकिन 3 4 साल वर्षों से इस टॉपिक में आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन बाकी किसी एग्जाम में आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, स्ट्रेट वाला क्वेश्चन के बारे में बताया था, 90 वाले के बारे में बताया था, इसलिए क्वेश्चंस करा दे रहा हूं कि टॉपिक में है तो कर लो, अच्छा है। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि 3 और 4 के बीच किस समय मिनट की सुई और घंटे की सुई एक साथ होती है, यानी 3 बजकर कितना मिनट होगा जब ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, कितना मिनट होगा? तो 3 बजकर कितने मिनट पर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए एक बहुत बढ़िया चीज आपको बता देता हूं, 2/11, 30 × H1,
प्लस माइनस एंगल डिग्री। ध्यान दीजिएगा, 30 इंटू एच वन प्लस माइनस एंगल डिग्री, 2/11 की जगह 2/11, 30 की जगह 30, इंटू की जगह इंटू। एच वन का मतलब होगा दोनों टाइम में जो पहला टाइम दिया गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बताना है 3:00 कितने मिनट पर, तो एच वन पहला टाइम होगा। और प्लस और माइनस को समझ लीजिए कि ब्रैकेट की संख्या को एंगल के साथ ऐड करने पर 360 तक की संख्या अगर आपको मिले ब्रैकेट में, तो संख्या को प्लस में रखना और ब्रैकेट की संख्या को मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे 360 क्रॉस कर जाए तो माइनस कर लेना। बहुत सिंपल सी बात है कि ब्रैकेट्स को हम देखेंगे, अगर मल्टीप्लाई और एडिशन करने पर 360 तक की संख्या अगर मिलती है तो वो प्लस में रहेगी, और यदि 360 क्रॉस हो जाए तो संख्या माइनस में आएगी। अब 30 इंटू 3 प्लस यहां पे करोगे, और क्वेश्चन में टुगेदर की बात की गई है, तो आपको क्या सिखाया था, क्वाइनसाइड को ही टुगेदर कहते हैं। टुगेदर में एंगल कितना है, जीरो है, तो आपने यहां पे जीरो कर दिया। अब 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 होगा, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180/11 आ गया। अब 180 को 11 से सॉल्व कर लो भाई, 3:16:4 पर, 3:16:4 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई एक साथ होगी और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन में इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को बनाएंगे और अपने आंसर को निकालेंगे। आपको बस छोटा सा काम करना है जो आपको सर ने सिखाया है, उस पे आप रहिएगा और क्वेश्चंस को बनाते जाइएगा, अपने आंसर को निकालते जाइएगा। तो बस 2/11, 30 इंटू एच वन प्लस माइनस एंगल डिग्री याद रखना और क्वेश्चंस को बनाना। सो ये प्रोसेस यूज करोगे क्वेश्चन में और अपने आंसर्स को बनाओगे, इस तरीके से करना है भाई। ठीक है, लिख लिया सबने। तो केवल और केवल माइंड में कैलकुलेशन रहेगा, क्वेश्चन को बनाओगे तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन में, जब कभी भी क्वेश्चंस को हम लोग निकालेंगे तो 2/11, 30 इंटू एच वन प्लस माइनस एंगल डिग्री आपको याद रखना है और क्वेश्चंस को बना लेना है भाई।
नोट कर लिया सबने? क्वेश्चन दो। बहुत बिजी हो तुम लोग लिखने में। इफ यू आर एक्साइटेड फॉर क्वेश्चन देन आई एम गिविंग यू, डोंट वरी। लो भाई, फाइव एंड सिक्स कोइंसाइड, जल्दी बताओ। पांच और छह के बीच किस समय मिनट की सुई और घंटे की सुई एक साथ होगी? पांच और छह के बीच किस समय मिनट की सुई और घंटे की सुई एक साथ होगी? बन गया। अब सब कुछ माइंड में चलेगा। 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 150, 150 में 0 प्लस किया, 150, 150 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 300, 300 को 11 से भाग दिया, 22, 77, 27, 3 बाय 11, 27, 3 बाय 11, पास्ट 5, 5:27, 3/11 को मिनट की सुई और घंटे की सुई एक साथ होगी और ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? लो एक क्वेश्चन और। 9 एंड 10 टुगेदर, 9 एंड 10 टुगेदर,
हाँ जी, क्या किया? 30 को 9 से मल्टीप्लाई, 270 को 2 से मल्टीप्लाई, 540 को 11 से भाग, 44, 99, 49, 1/11। तो यहां पर क्वेश्चन में ये बनेगा, इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। आ जाओ नेक्स्ट पे। ट्राई करोगे सब लोग? टेन एंड इलेवन, राइट एंगल, हाँ जी, 2/11, 30 × 10 -90 होगा यहां पे, 2/11, 300 में 90 माइनस करोगे 210, 210 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 420, 11 से भाग दोगे 33, 88, 38 2/11 यानी 38 2/11 होगा, और ये आपका राइट आंसर। बोलो भाई, 38 2/11। बेटा देखो, आंसर गलत होगा तो मैं बोल दूंगा कि आपने आंसर गलत किया है, लेकिन अगर आपने सही किया है तो आप स्वयं मिलाते जाए अपने आंसर को। तो यहां पर माइनस करना था, क्योंकि यहां पर 30 को 10 से मल्टीप्लाई करते तो 300 होता, और 90 प्लस कर देते तो 390 हो जाता। और मैंने आपको सिखाया था कि जब 390 क्रॉस करेगा, जब 390 क्रॉस करे 360 जब क्रॉस करेगा तो माइनस करना है, मैंने आपको सिखाया था। और यहां पर क्वेश्चन में देखिए, वो क्रॉस हो रहा है, यानी 30 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 300, 90 प्लस करोगे 390 हो जाएगा, यानी 360 क्रॉस कर गया, इसलिए यहां पर हमें माइनस करना था। एंड अकॉर्डिंग 38 2/11
पास्ट टेन आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए एट एंड नाइन स्ट्रेट बट ऑपोजिट। एट एंड नाइन क्या किया? 30 × 8 -180 हो जाएगा। 240 में 180 माइनस करोगे, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 120, 120 को 11 से भाग दोगे 10, 10/11 होगा, यानी 8:10, 10/11 को मिनट की सुई और घंटे की सुई ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। तो ये आपको इसमें बनाना है। ले वो एक क्वेश्चन और। टू एंड थ्री स्ट्रेट बट ऑपोजिट। तीस को दो से मल्टीप्लाई, 180 प्लस मल्टीप्लाई बाय टू, 480, 44,
43, 7 by 11, 43, 7 by 11, क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? यहां तक में कोई दिक्कत? बच्चों क्लियर है? बेटा बता दिया करो, बताना अच्छा होता है। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया भाई? चलो, खुश हो तुम लोग ना? बेटा खुश होगी नहीं बताओ? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट टाइम बिटवीन 4 एंड 5 द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक 3 मिनट्स अपार्ट। 4 और 5 के बीच किस समय, 4 और 5 के बीच किस समय मिनट की सुई और घंटे की सुई में, मिनट की सुई और घंटे की सुई में 3 मिनट की दूरी होती है? 3 मिनट की दूरी होती है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। कभी क्वेश्चन में अपार्ट लिखा होगा, कभी क्वेश्चन में अहेड होगा। जब आपके क्वेश्चन में अपार्ट होगा तो हिंदी में दूरी, और जब अहेड होगा तो क्वेश्चन में आगे शब्द का प्रयोग होगा। ध्यान देना, क्वेश्चन में आ जाएगा 4 और 5 के बीच किस समय मिनट की सुई और घंटे की सुई 3 मिनट की दूरी पर होगी, या क्वेश्चन आ जाएगा 4 और 5 के बीच किस समय मिनट की सुई और घंटे की सुई 3 मिनट आगे होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या करोगे भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए? पांच सेकेंड वाला तरीका सीखना है ना? चलो अब सब लोग बोर्ड की तरफ देखना, बस यहीं पे निगाह होनी चाहिए, कंसंट्रेशन यहीं पे। सबसे पहले मुझे बताओ, ध्यान देना सब लोग, जो पहला टाइम होगा
उसको घड़ी में फिक्स करना है पहले टाइम को। लोग देना देखना, 10 सेकेंड से ज्यादा, 20 सेकेंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगना क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन में घड़ी में जो पहला टाइम होगा उसको फिक्स करना। यानी 4 और 5 की बात की गई है तो 4 ले लेंगे। अब जब घड़ी में 4 बजेगा तो 12 से 4 के बीच में कितने मिनट्स होंगे भाई? जब घड़ी में 4 बजेगा तो 12 से 4 के बीच में जरा मिनट बताओ कितने होंगे? बोलो भाई, जब 4 बजेंगे तो 12 से 4 के बीच में कितने मिनट्स? भाई इतना टाइम लगाओगे तुम लोग? कमाल है भाई, इतना खो जाते हो तुम लोग। 12 से 1 के बीच में 5, 1 से 2 के बीच में 5, 2 से 3 के बीच में 5, 3 से 4 के बीच में 5। बेटा जिसको नहीं आता जल्दी बताओ। अब बेटा तुम लोग को ऐसे पढ़ाना है, समझ गए? बाकी लोग जैसे पढ़ाते हैं ना वैसे आपको पढ़ाना है। जरा काउंट करो कितने हुए, अब इसको काउंट कर लेना कितने हो गए बेटा, 20 हो गए। तुम लोगों को ऐसे ही सिखाना है तुम लोगों को, जल्दी जल्दी वाली चीजें तुम सीखना ही नहीं चाहते तुम लोग। मैं क्या करूं, हद है यार। 4 बजा तो 12 से लेके 4 में कितना मिनट ट्रेवल हुआ उसको बताने में इतना टाइम लगा दिया। सिर्फ दो बच्चे का जवाब आया है मेरे पास, निशु का आया और रवि का आया, बाकी सब लोग बस बैठे हैं ऐसे। भाई उनको लग रहा है कि मैंने बैच जो खरीद लिया है, तो मैं बोलूं ना बोलूं सर तो पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, है ना? परचेज कर लिया आपने टॉप रैंकर से, एसएससी ट्यूब आप ही का है, यही सोच रहे हो ना भाई? परवेज सर आप ही के हैं यार, कुछ चीजें बोली जाती है ऑनलाइन क्लास में। अगर आप नहीं बोलोगे, इंटरेक्शन का यही माध्यम होता है, टाइप भी करने में आपको इतनी मेहनत लगेगी, क्या पढ़ना फिर? पढ़ो फिर यार, 4 दिन में इस टॉपिक को खत्म करूंगा मैं। एक एक चीज आपको बता रहा हूं, बता रहा हूं, एक दिन में एक टाइप, पूरा 1 घंटा सिर्फ बातचीत आपसे, ऐसे लाइन दे दे के पढ़ाऊंगा मैं आपको। आएगा मजा? बहुत खराब हो तुम लोग यार, डिसअपॉइंटिंग यार। तो जब घड़ी में 4 बजेगा तो 20 मिनट, 5 बजा 25 मिनट, 6 बजा 30 मिनट, 7 बजा 35 मिनट। तो जो टाइम होगा उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेना है, और अपार्ट में माइनस करोगे, अहेड में प्लस करोगे। क्या माइनस और क्या प्लस करना है जो यहां पे दिया गया होगा? अब जरा बताओ, 20 में 3 माइनस किया तो, 20 में 3 माइनस किया तो 17 आ गया। अब जो संख्या आई उसको 12/11 से मल्टीप्लाई कर देना। अब 12, 17 को मल्टीप्लाई करो, 84, 12, 204, 11 से भाग दे दो। जो आंसर निकालोगे 100% आपके ऑप्शन में होगा, 18 6/11 होगा, और यही आपका राइट आंसर।
आया समझ में? तो सबसे पहला काम करना है कि जो पहला टाइम दिया गया है उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेना। मिनट में कन्वर्ट करने के बाद अपार्ट है तो माइनस कर देना, अहेड है तो प्लस कर देना, और जो आंसर आए उसको 12/11 के साथ सॉल्व कर देना। जो ऑप्शन बनेगा वो एग्जैक्ट आपका आंसर होगा। 18/6/11 बन रहा है और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है बच्चों। स्टूडेंट, बोलो भाई क्वेश्चन दो। एट एंड नाइन फोर मिनट्स अपार्ट।
हाँ जी कितना बेहतरीन आंसर निकाला तुम लोगों ने, कितना बेहतरीन। 8 बजा 40 मिनट्स, 4 माइनस किया 36, 12/11 इंटू 36, 12 और 36 को मल्टीप्लाई करोगे 72, 36, 432 को 11 से भाग दोगे 33, 99, 39 3/11 होगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? बन जाएगा। एक अहेड का भी देख ले, अपार्ट देख लिया, एक अहेड भी देख लेते हैं। थ्री एंड फोर, एट मिनट्स अहेड। तीन बजा मिनट 15 अहेड है, प्लस 8 23, 12/11 इंटू 23, 12 को 23 से मल्टीप्लाई 36, 24, 276, 11 से भाग 22, 25 1/2। कोई दिक्कत? सेकेंड्स में उड़ रहा है आंसर, पढ़ लो ना भाई, याद रखोगे पूरे जीवन। मजा आया कि नहीं आया बता दो। कभी-कभी मजे वाली बात भी कर लिया करो तुम लोग, जब मर्जी तब देखो पढ़ते रहते हो, इतने पढ़ाकू बनकर क्या करोगे जिंदगी में। बेटा कम पढ़ने वाला अच्छा करता है, ज्यादा मत पढ़ो।
हाँ जी यहां तक सब लोगों का क्लियर? कोई दिक्कत? पक्का ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से बनाना, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये प्रोसेस लोगे और इसी तरीके से क्वेश्चन को बना लेना। अरे तुम लोग मेरे साथ पहले बताओ, फेसबुक पे जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो? कितने लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भेजा है फेसबुक पे? चलो आज थोड़ी सी बात बात कर ले हम लोग, पढ़ाई तो हमेशा होती है यार। कितने लोग जुड़े हो मुझसे? बातचीत कर लें आज, पढ़ लेंगे थोड़ी देर में। बताओ जरा किस किस ने रिक्वेस्ट भेजा है मुझे? शर्म आ रही है तुम लोगों को? ये बताओ पहले, नहीं आ रही है ना? बेटा चुप हो जाओ रवि, फेसबुक पे रहने से पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम है? ये सब नहीं चलने वाला यहाँ पे। सर फेसबुक पे मैं नहीं हूं एक्चुअली, पढ़ाई की वजह से। कौन बोलता है ये? इतना कोई नहीं पढ़ता जितना तुम लोग ड्रामे कर रहे हो। कोई नहीं पढ़ता इतना। टीचर से जुड़ के रहना, ये तो तुम्हारा स्टेटमेंट है ना। सामने वाला इसको कैसे ले रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम कह रहे हो ये बात। ये लो भाई, निशु कह रही है मेरे पास मोबाइल नहीं है। बेटा किस पे देख रहे हो क्लास तुम? लैपटॉप पे? तुम्हारे में बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट है ना, मोबाइल से ही बड़ा। लैपटॉप पे देख रहे होगे या घर के टेलीविजन जो एलईडी लगा रखी है उस पे देख रहे होगे, कंप्यूटर पे देख रहे होगे। निशु रवि बेटा एक बात बताऊं तुझे, फेसबुक से ज्यादा लोगों का टाइम व्हाट्सएप पे वेस्ट होता है। तो बेटा तुमने सही इंतजाम कर रखा है ना? फेसबुक पे सर मैं नहीं हूं क्योंकि पढ़ाई करनी होती है, मैं व्हाट्सएप पे हूं। बाकी बच्चे सुन रहे हो तुम ना? फेसबुक पे आप सुबह से शाम तक में एक बार मॉर्निंग में देखते होगे, एक बार इवनिंग में देखते होगे, व्हाट्सएप पे एवरी टाइम है ना? सही जा रहे हो तुम लोग है ना, बिल्कुल सही जा रहे हो। बाकी लोग कहाँ चले गए भाई? तुम लोग बाकी लोग आज नहीं है? बाकी लोगों को क्लॉक आती है भाई बहुत अच्छे से है ना, बाकी लोग इंटेलिजेंट हैं यहाँ पे। एक ही दो बच्चों का कमेंट मुझे दिख रहा है। बाकी तो ऐसे ही घूम रहे हैं भाई। चलो एक और बता देता हूं तुम लोगों को, एक और देख लो।
हाँ मैं समझ गया था, नेचुरल लैपटॉप पे देखते होगे। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में एक क्वेश्चन एंगल पे आता है। जैसे 3:40 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई में कितने डिग्री का कोण बनता है? 3:40 पर तीन बजकर 40 मिनट पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको 11/2 मिनट्स माइनस RTR करना है। बस इतनी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है भाई। 11/2 की जगह पे 11/2 आ गया, मिनट की जगह पे 40 ले लिया, माइनस की जगह 30 आ गया, एंड आर की जगह पे 3 आ गया। सॉल्व कर लो, 220 और 90 माइनस करोगे 130 होगा, यानी 3:40 पर 130 डिग्री का कोण बनेगा। बस इतना ही करना है भाई, क्वेश्चन में बस इतना सा काम करना है। मिनट को 11/2 के साथ और आर को 30 के साथ। सॉल्व कर लेना। हाँ जी, ठीक है। तो मिनट्स को 11/2 के साथ करोगे और आवर्स को 30 के साथ में, सॉल्व कर लेना। बताओ भाई, 8:30 पे मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच 8:30
भाई देखो, पता नहीं कैसे तुम लोगों ने इसको नहीं समझा। 11/2 × 30 -30 × 8, पंद्रह 165, 240 में 165 को माइनस करोगे तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना है भाई, संख्या जिधर बड़ी होगी उसी को छोटे से माइनस करते हैं। ये बस ध्यान आपको रखना है, एंगल कभी भी माइनस में नहीं होता है, एंगल कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो आप क्या करोगे, जो बड़ी संख्या होगी उसी में छोटे संख्या को माइनस करोगे एंड अकॉर्डिंगली अपने आंसर को बनाओगे। तो ये प्रोसेस आप लोगों को क्वेश्चंस में करना है, इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। मेरा यही था, किसका यही था, रवि तुम्हारा बन जाएगा। 157 किसने भेज दिया था मुझे यार, कुछ भी लिखते हो, 157 कैसे हो गया था। लो एक क्वेश्चन और, 9:32,9:32। बन गया इसका आंसर 94 डिग्री बनेगा। अगर 94 अगर आपका आ गया है तो आपके आंसर सही है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चंस को बनाएंगे। इसका एक पार्ट और है जो मैं इमेजेस वाला है, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। बाकी चीजें यहां तक जो आपको बताया है मैंने बिल्कुल क्लियर होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां तक सब लोग आराम से कर पाएंगे क्वेश्चन को। और इतनी चीजों को देखो, वेटेज नहीं है इसका बहुत ज्यादा। अगर आप SSC CGL के एग्जाम दे रहे हो तो आप देखो पिछले लास्ट 3, 4, 5 वर्षों से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट कह देते हैं, पता नहीं क्यों उनको क्लॉक 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 लगता है उनको, कि
देते हैं तो मैं भी करा देता हूँ, मैं मना करता नहीं हूँ, लेकिन वेटेजेस का है नहीं, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेना इस पे। बाकी टॉपिक जो है, सीरीज है, एनालॉगी है, कोडिंग डिकोडिंग है, वेन डायग्राम है, सिलॉग है, मिसिंग नंबर है, ये सब पार्ट को ज्यादा आप लोगों को पढ़ना है। तो मुलाकात करेंगे आप लोगों से फिर से कल ही, मोस्ट प्रोबेबली कल आपकी क्लास है, कल मैं हूँ यहाँ पे दिल्ली, कल हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको पढ़ा ही दूँ। तो कल 3 बजे हमारी क्लास होगी, कल मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, कल मिलते हैं, थैंक यू।